हेलो स्टूडेंट्स, डाउट हट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं गणित की प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। यहां पर बच्चों हमें पाइथागोरस त्रिक लिखना है, उसको पूरा करना है। एक सदस्य हमें दिया हुआ है। इस सवाल को करने से पहले बच्चों ये समझ लेते हैं कि पाइथागोरस त्रिक होता क्या है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस त्रिक को समझने से पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण होता है उसका जो वर्ग है वो होगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका लंब है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है। तो बच्चों समझो, पाइथागोरस त्रिक को हम कोई भी संख्या लेते हैं, हमने आधार ले लिया मान लो 3, उसका वर्ग जमा लंब हमने ले लिया 4, उसका वर्ग करेंगे बच्चों कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो हमारे पास यहां पर बच्चों आधार क्या है 3, लंब हमारे पास है 4 और कर्ण हमारे पास आ गया 5। भुजाएं हमारे पास होगी 3, 4 और 5। तो बच्चों यही क्या है, पाइथागोरस त्रिक। त्रिक यानी 3। तीन संख्याएं हमारे पास है 3, 4 और 5। इनमें से किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग का जोड़ तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा, यह होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस त्रिक। तो सामान्य तौर पर जो पाइथागोरस त्रिक होगा उसको हम बच्चों लेके चलेंगे 2m, m की 2 घटा 1 और m की 2 जमा 1, ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस त्रिक। ये तीन संख्याएं 2m, m की 2 घटा 1 और m की 2 जमा 1, इनको आपने याद रखना पड़ेगा। ये हमारा है पाइथागोरस त्रिक। यहां पर किन्हीं दो का वर्ग का जोड़ तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। अब बच्चों हम पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है कि एक सदस्य है 6, इन तीनों में से एक सदस्य हमें 6 दिया हुआ है, हमें बाकी को पता करना है। 2m को लेके चलेंगे कि 2m है वो हमारा क्या है 6। एक बच्चों आपने ध्यान ये रखना है, जो m होगा m का मान हमेशा क्या होगा 1 से बड़ा। क्यों? क्योंकि अगर m का मान 1 है तो यहाँ पर आप रखोगे जब m का मान 1 तो 1 का वर्ग घटा 1, 1 घटा 1 क्या हो जाएगा 0, और त्रिक के अंदर 0 नहीं आएगा, इसलिए m का मान क्या होगा 1 से बड़ा। अब यहाँ पर बच्चों हमने 2m को मान लिया 6, हम 2m को 6 लेके चलेंगे। अगर हम m की 2 घटा 1 को 6 लेते हैं तो हमारे पास यहाँ m स्क्वेयर हो जाएगा 7, और फिर m का मान निकालना कठिन होगा, इसलिए हमने क्या लिया 2m को क्या ले लिया 6, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक सदस्य हमें दे रखा है 6, तो हमने 2m को मान लिया 6। यहाँ से हमारे पास m का मान हो जाएगा 6/2, 3। अब हमारे पास m का मान है 3, यहाँ पे रखेंगे। दूसरा सदस्य हमारे पास बच्चों हो जाएगा m की 2 घटा 1, m का मान है कितना 3, 3 रखो यहाँ पर, 3 का वर्ग घटा 1, 3 का वर्ग 9, 9 घटा 1 8। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा सदस्य हो जाएगा m की 2 जमा 1, m का मान है 3 तो 3 का वर्ग जमा 1, 9 जमा 1 बराबर 10। तो इस प्रकार हम बाकी के दोनों सदस्य भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास तीन सदस्य हो गए,
छः, क्योंकि देखो पहला था हमारा 2m, 2m को हमने क्या माना था, 6, 6, 8 और 10, यही हमारी क्या है, पाइथागोरस त्रिक, इसे हम कहेंगे बच्चों पाइथागोरस त्रिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग का जोड़ करोगे तीसरी के बराबर आएगा। आप यहाँ पर जांच कर सकते हो, 6 का वर्ग करो 36, 8 का वर्ग करो 64, 10 का वर्ग करो 100, इन दोनों का जोड़ करोगे 100 आएगा इसके बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 के वर्ग का जोड़ तीसरे के वर्ग के बराबर है, तो ये हमारी हो जाएंगी पाइथागोरस त्रिक। दूसरा पार्ट करते हैं इसका, हमें एक सदस्य दे रखा है 14, तो हम बच्चों मान लेते हैं कि 2m बराबर है 14, यहाँ से हमारे पास m का मान आ जाएगा 14 भाग में 2, 7। अब हमारा दूसरा सदस्य हो जाएगा m की 2 घटा 1, m है हमारे पास 7, 7 का वर्ग घटा 1 49 घटा 1 48। तीसरा सदस्य हमारे पास है m की 2 जमा 1, 7 का वर्ग जमा 1 49 जमा 1 50, तो हमारे पास बच्चों तिरक आ गया। तो बच्चों हमारा तिरक हो जाएगा 14 48 और 50। इनको आप चेक कर सकते हो, इन दो का वर्ग का जोड़ इसके बराबर आएगा। तीसरा भाग है 16, एक सदस्य हमें 16 दिया हुआ है, 2m को मान लेते हैं हम 16, तो यहाँ से हमारे पास m का मान हो जाएगा 16 भाग में 2, 8। सदस्य हमारे पास है m की 2 घटा 1, m है 8, 8 की 2 घटा 1 64 घटा 1 63। तीसरा सदस्य हो जाएगा m की 2 जमा 1, 8 की 2 जमा 1 64 जमा 1 65, तो हमारी पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी 2m, 2m था 16, m की 2 घटा 1 63, m की 2 जमा 1 65, ये हमारी त्रिक हो जाएगी। चौथा भाग है 18, हमें तिरक का एक सदस्य दे रखे 18, बाकी हमें निकालने हैं। तिरक के सदस्य हमारे पास होते हैं 2m, m की 2 घटा 1 और m की 2 जमा 1, तो यहाँ पर बच्चों हम 2m को मान के चलते हैं 18 कि एक सदस्य है वो मान लो 2m है, तो यहाँ से हमारे पास m का मान हो जाएगा 18 भाग में 2, 9, तो m की 2 घटा 1 हो जाएगा 9 की 2 घटा 1 81 घटा 1 80। तीसरा सदस्य हो जाएगा m की 2 जमा 1, m का मान 9 जमा 1 81 जमा 1 82, तो बच्चों हमारी जो त्रिक है वो हो जाएगी, त्रिक थी हमारी 2m, m की 2 घटा 1, m की 2 जमा 1, 2m लिया था हमने 18 दिया हुआ है ये एक सदस्य। दूसरा हो जाएगा m की 2 घटा 1 80, तीसरा हो जाएगा 82, तो ये बन जाएगी हमारी पाइथागोरस त्रिक। तो बच्चों आपने सिर्फ ध्यान ये रखना है कि त्रिक होती है उसके तीन सदस्य होते हैं, 2m, m की 2 घटा 1 और m की 2 जमा 1, जो आपको सदस्य दे रखा है उसको हम मान के चलेंगे 2m के बराबर, वहां से हमारे पास m का मान आसानी से आ जाएगा, और फिर m का मान रख करके बाकी दोनों सदस्य आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के वर्गों का जोड़ इस तीसरे के वर्ग के बराबर है, यही तिरक कहती है कि 2 के वर्गों का जोड़ तीसरे के वर्ग के बराबर होगा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा धार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। एक तरह से जो पाइथागोरस तिरक है वो पाइथागोरस प्रमेय का ही रूप है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।